हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे यार, फिर आज लेट हो गया। आज तो डायरेक्टर गालियां देगा मुझे। आई जस्ट होप रास्ते में ट्रैफिक ना मिले मुझे। अरे सर, आप अली सर है ना, वो फेमस एक्टर। सर आप शूटिंग पे जा रहे हैं? नहीं, चांद पे जा रहा हूँ। अरे सर, आपको गलती से किसी ने बता दिया, कार से चांद पे कैसे जा सकते? माफ कर दे भाई। अरे सर, आप समझ में नहीं, गलती कर रहे हैं, आप माफी मुझसे मांग रहे हैं। तेरे को नहीं लग रहा तेरा कुछ ज्यादा हो रहा है? तू जा रहा था ना, चल बैठ, चल बैठ, चल बैठ, चल निकल, निकल, हट। बात करता है, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। जाना, चल जा। क्या लेने के लिए आया था मैं? कंटिन्यूटी की जैकेट। अरे भाई साहब, थोड़ा हटो। ओ हेलो, मेरी गाड़ी है ना, वो उधर कहाँ से आ गया? ओ भाई, क्या उड़ गया? ओ दूल्हे राजा। ओ भाई साहब, आप मेरी गाड़ी में क्या करे, बाहर निकलिए, ये मेरी गाड़ी है, आपकी घोड़ी नहीं है, लो उतरो। बड़ा ढीठ आदमी। ओए अरे भाई साहब, ओ दूल्हे, जाओ ना, तुम्हारी दुल्हन वेट करिए मंडप पे, चलो जाओ, निकलो यहाँ से, चलो। बड़ा मूड बना के लेटा हुआ इधर। भाई साहब देखिए, ये सुहागरात वाली बिस्तर नहीं है तुम्हारी, ये मेरी गाड़ी है, चलो निक। अरे हो हेलो, बाप रे, ये तो लुढ़क गया, कहीं इसका पैकअप तो नहीं हो गया। भाई साहब, हेलो, ये तो गया है। कौन? हेलो, अभिजीत, अभिजीत क्या हो गया? हेलो अभिजीत, अरे बाप रे, ये अभिजीत मेरी गाड़ी में, ये अभिजीत को दूल्हे के गेटअप में किसने मारा और क्यों, और मार के लाश को मेरी गाड़ी में क्यों रखा? आप कौन? मैं फैन हूँ। अच्छा, तो आप इधर क्यों? आपको तो सीलिंग पे होना चाहिए ना। सर, मैं वो वाला फैन नहीं हूँ, मैं तो आपकी फैन हूँ। आप भूल गए, मैं आपको कब से फॉलो कर रही हूँ, लेकिन आप हैं कि हर बार बच के निकल जाते हैं। अच्छा, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे भागने का शौक नहीं है, लेकिन क्या आज भी मैं बहुत हड़बड़ी में हूँ, तो मुझे चलना है। ठीक है सर, ये कौन है सर? ये अभी अभी मिला मुझे, अगला लाल सिंह, लाल सिंह मेरा दोस्त है, लाल सिंह। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, ये बोलते क्यों नहीं है? कैसे बोलेगा, इसका मौत हो रहा था ना। क्या क्या बोला मैंने सर? मौत हो रहा। हट पगली, मौत क्यों बोलूंगा, माउत, माउत व्रत, माउत व्रत है तो इसलिए आज ये मुंह से बोलेगा नहीं, अपने माउत से बोलेगा नहीं। लेकिन सर, इनका माउत व्रत भी क्यों है? ये देखो, इतनी सी हो तुम और सवाल इतनी सारे करे जा रही हो, शादी करनी है तुम्हें इससे? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सर, अगर आपके साथ ही ऑफर में हो ना, तो सर मैं वो भी कर सकती हूँ। वो क्या है ना, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। प्लीज मेरा पीछा छोड़ो, मुझे जाने दो, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या सर, प्लीज सर, वो क्या है ना, आप बहुत मुश्किल से मुझे मिले हैं। तो सर कुछ नहीं, बस एक सेल्फी हो जाए प्लीज सर। इसके बाद चले जाओगी ना? हाँ सर, पक्का, एक मिनट। स्माइल प्लीज सर। हंसी तो रहा हूँ।
सर अपने दोस्त को भी बोलो ना हंसे। जाओ आप जाइए प्लीज। अच्छा सॉरी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बाय सर। ओके जी। बाय सर। अरे जा। बाय। ओके। बाय सर। बाय। बड़ी चिपकू थी। तू भी आए सेल्फी में? अरे नहीं यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या जरूरत थी तुझे उसके साथ सेल्फी मारने की? इसको यहाँ पे इसको मैं छोड़ भी नहीं सकता। अगर सीआईडी वालों को पता चल गया तो? अरे सर प्लीज मत मारिए सर, मैं मर जाऊंगा। मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं निर्दोष हूँ सर, सच्ची बिलीव मी, ट्रस्ट मी। लाश को रखा था गाड़ी में मूंगफली खिलाने के लिए? हाँ बोल, तूने किया खूनी दरिंदे? खूनी दरिंदे? एक बार वो मैंने नहीं किया था सर, मेरे दोस्त नहीं किया था सर, मैं लेट था उसमें, वो उसमें हीरो था सर, मैं तो सपोर्टिंग में था सर, मेरे सिर्फ दो सीन थे, इंटरवल से पहले मैं मर जाता हूँ सर। कॉमेडी सोच रहा है तेरे को? नहीं आपने कॉमेडी सोच रहा है? मैं लाश की बात कर रहा हूँ, फिल्म की नहीं। नहीं नहीं है सर। तूने मेरे दोस्त को जान से मारा है, तेरा वो अंजाम करूंगा कि तेरी रूह तक कांप जाएगी। बच गया। चल वापस अंदर चल। सर आज किसकी शूटिंग कर रहे हो आप? मैं अवतार पार्ट टू, मैं राजेश खन्ना, उसी की प्रैक्टिस करो इधर। अच्छा ओके। आइए। अरे यार किसको बोल रहा हूँ मैं? सीधा खड़े रहना। लगी तो नहीं, चलते बड़ा डेट। बाबा बाबा प्लीज डू समथिंग। सो
सब बढ़िया उधर से है रास्ता। बाय। कहाँ रह गया यार? आपके हाथ में है सर। अरे वो तो बहुत बड़ा स्टार है, कहाँ किसी के हाथ में आने वाला है। सर ये मक्खी कब से स्टार होने लगी? अबे मैं अली की बात कर रहा हूँ, मक्खी की नहीं। सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गई। मेरा तो बीपी बढ़ रहा है यार, जा ईपी को बुला के ला। सर वो ईपी है, डॉक्टर नहीं है। वो आ भी जाएगा तो कौन सी आपकी बीपी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? अबे तू ईपी को बुला ला कि नहीं बुला? जा। हाँ सर। मैं कहाँ पहुंचा यार, शूटिंग कैसे होगी? देखा टाइम। सर सर बुलाता हूँ, सर बुलाता हूँ। सर सर कैसी लग रही हूँ मैं? बड़ी जोर की लग रही हो तुम। सर मेरा तो ना बचपन का ही सपना था कि मेरी ना शादी हो, आज आपकी वजह से वो सपना पूरा होने जा रहा है सर। ओ मैडम, मैं पंडित नहीं डायरेक्टर हूँ, शादी नहीं शूटिंग करवा रहा हूँ। सर उठिए ना सर, सर आप तैयार हो जाइए सर, नहीं तो डायरेक्टर साहब मेरी जान ले लेंगे फ्री में। तो मैं क्या करूं? सर प्लीज उठिए सर। मैं क्या करूं, मैं कब से आया हूं, मैं 9 की शिफ्ट में 8 बजे आया हूं, तुम लोग अभी 11:30 बजे बुलाते मेरे को। सर सॉरी सर, सर आई टेक माय ओन टाइम, गो। ओके सर, गो। आप प्लीज जल्दी तैयार, गो। एक्टर हूं। करना पड़ता है, सब चूचले करने पड़ते हैं। हाय हाय, हेलो सर, मैं आ गया, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। शॉट रेडी है? ओहो सर आ गए आप, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब शूटिंग शूटिंग कर ले। या चलो भाइयों, बहुत आराम हो गया, हमारे सुपरस्टार एक्टर आ चुके हैं, थोड़ा काम कर लिया जाए। चलो टेक करो फटाफट। ताने मार रहा है मुझे, गनीमत समझ, लाइट उठा के नहीं मार रहा है। एक घंटा लेट है सुपरस्टार, कहाँ फंस गया था यार? लाश क्या? क्या लाश? क्या मैंने क्या बोला? लाश। लाश क्यों बोलूंगा? लास्ट। अच्छा लास्ट, जब लास्ट में गाड़ी में से मैं उतरा ना तो मेरे पैर में जूते थे, तो मैं जूते में फंस गया, तो मैं कैसे ऐसे करके मैं ऐसे आ गया। चलो भाई कैमरा रोल करो, इससे पहले कि सर कोई और छोड़ कर रहे। सर सिर्फ 2 मिनट और, वो चिप डाल रहा है कैमरे में। ननक तुम्हारे पिताजी की शादी है, अभी तक ये काम नहीं किया? 1 मिनट में सर, ये सब तेरी वजह से हो गया।
क्या है इसकी? आ, इसके रोके। अच्छा मुझे बता, सच में पैर फंस गया था? इतना दिमाग खराब है यार, वो डायरेक्टर मेरे पे चिल्ला रहा है, स्क्रिप्ट अभी मिला है मुझे, पढ़ने देना यार, मुझे याद करने देना यार। सॉरी। सीन क्या यार? हाँ, मुझे दूल्हे को उठा के अपनी बहन से शादी करने से रोकना है। दूल्हे सर, आई एम रेडी सर। वो दूल्हा जो तो कितने पे दूल्हा? किसी को नहीं पता कि दूल्हा कहाँ गया है? ये लियो तुम। अभी देख क्या है सर हम? हाँ दूल्हे को बुलाइए ना, मैं कब से वेट कर रही हूँ शादी करने का। तुम चुप रहो है? कितनी बार बोला तुम्हारी शादी नहीं हो रही, शूटिंग हो रही है। किसी को नहीं पता कि दूल्हा कहाँ चला गया। अरे नया एक्टर है वो, नया एक्टर ढूंढो उसे। सर मैंने अली सर को भी दूल्हे के साथ पार्किंग में देखा। अरे हाँ सर याद आया, मैंने उनको अली सर के कमरे में देखा था। अब सबको पता चल जाएगा कि ये दूल्हा लाश है, और वो भी अभिजीत की। मैं भी लेकर आता हूँ दूल्हे को, अभी लाता हूँ। क्या कर रहा है तू? मैं नेकी की राह पे चल रहा हूँ। नेकी की राह नहीं है ये, केबल पे पैर रखा है, पीछे हटिए। किस नेकी की बात कर रहा तू? हाँ मैं वो एक्चुअली क्या ना, मैं एक्टर होने का फर्ज निभा रहा था। जो दूल्हा है ना दूल्हा, वो कुछ ज्यादा ही नर्वस है, तो मैं खुद जा करके उसे रिलैक्स करके ले आता हूँ खुद। अरे वो हवन क्यों नहीं शुरू कर रहा है? संभाल संभाल। हवन चालू नहीं। चल चल। और आपकी भी ये पहली शादी है? पांचवी है। तकलीफ है? अपने काम पे ध्यान दो ना, स्क्रिप्ट तो याद करती नहीं हो, 25 फंबल मारती हो, एक्ट्रेस बनने आते, इसका तो कार्ड कैंसिल कर देना चाहिए। अरे दूल्हे, दूल्हे के बोल के दिखाओ डायलॉग। ये बोल क्यों नहीं रहा है? ये डायलॉग क्यों नहीं बोल रहा? अरे कैसे बोलेगा लाश? अयाश है, अयाश है, एक नंबर का ही है। हाँ एक्चुअली इसको पीने का शौक है। हाँ अभी थोड़ा टाइम था तो 2-4 पैक घटक चुका है। यानी मेरा होने वाला पहला पति बेवड़ा है? ओ हीरोइन चुप करो, तुम्हारी शादी नहीं करवा रहा मैं सच्ची में। आप क्या नहीं कराएंगे, मैं खुद ऐसे बेवड़े से नहीं शादी करूंगी। चुप, अगर तुमने एक शब्द आगे बोला ना, ये देखो बेवड़ा है ना तो लड़खड़ाएगा ना, कितना ओवर एक्टिंग करती है। ये सीधा बैठ, चल आप शुरू करो। ये नहीं बोलेगा तो मेरे तो सारे सीन कट गए। अरे चुप 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 करो तुम। अरे चुप कराओ ना इसको यार। अरे चुप करो, चलो लेट्स गो फॉर टेक नाउ। रोल कैमरा एक्शन। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। अरे भैया आप प्लीज, भैया प्लीज आप रमेश को कुछ मत कहिए, मैं उससे प्यार करती हूँ। ना तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, अब देखना मैं तुम्हारे दूल्हे की हड्डियां कैसे तोड़ता हूँ। तुम हमारे खानदानी दुश्मन के बेटे से हरगिज शादी नहीं कर सकती। हाँ मारो। रुक जाओ, इसके लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। अरे बाप रे, अगर ये उठ गया तो सीआईडी वाले मुझे उठा लेंगे। अरे मेरे भाई सही लाइन बोल रहा है, आगे बढ़ना भाई, दूसरी शूटिंग में जाना है। प्लीज भैया आप रमेश को कुछ मत कहिए, मैं उससे प्यार करती हूँ। सच? तुम इससे सच में प्यार करती हो? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर,
इससे तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके। ये तो लाइन ही नहीं है। अभी डालिए। पंडित रुकिए, पंडित जी रुकिए, ये शादी नहीं हो सकती। भैया भैया शायद आप भूल गए, ये हमारा खानदानी दुश्मन है, इसके बाप ने हमारे बाप को मारा था, ये शादी नहीं हो सकती। इसके बाप ने हमारे बाप को मारा था, इसने नहीं, ये शादी होगी। पंडित नहीं, पंडित जी रुकिए, नहीं आप भूल सकते लेकिन मैं नहीं भूल सकता। भैया ये हमारा खानदानी दुश्मन है, ये शादी नहीं हो सकती। मैं तुझे से पकड़ नहीं दूंगा तो तू छोड़ेगा कैसे। पंडित जी चल आना, पंडित पत्थर पाड़। अरे क्या कर रहे हैं मेरे भाई, शादी रोकनी है, शादी करवानी नहीं है, ये क्या बोल रही है। बेशरम है तू, अपनी बहन की शादी रोक रहा है तू। मैं समझाओ उसको, मेरे बाप शूटिंग हो रहा है यहाँ पे, रियल में थोड़ी शादी हो रही है। मुबारक हो मेरी बहन, तुम्हें तुम्हारा दूल्हा मुबारक हो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। सच्ची? रुक, तुझे बड़ी जल्दी है, मैं दूल्हे के साथ एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ, इसीलिए लोगो प्लीज यहीं रुको, मैं दूल्हे को ले जाता हूँ। Excuse me. अरे ये दूल्हे को कहाँ लेके जा रहा है? आप पकड़िए, मैं देखता हूँ। सर सर ये सीन तो हो गया, अगला सीन लगाए। यली को तूने कास्ट किया था ना? हाँ सर मैंने। सर क्या सर, कमाल का एक्टर है सर, क्या सीन दिया सर, क्या सीन दिया। तेरी जिंदगी का सीन मैं अभी खत्म करता हूँ। अरे ठीक है, बहुत भारी है तू, बहुत भारी है। चल रहा हूँ बाबा, चल रहा हूँ, जरा तमीज से, मैं एक्टर हूँ, इशारे मत करो। हंस रहा है। वाली वाह, तू कमाल का एक्टर निकला यार, क्या सफाई से झोल किया तूने, वाह। क्या अली, क्या चल क्या रहा है, ये सब चल नहीं रहा है, चलने वाली है गाड़ी तेरे ऊपर, चल लेट जा। ए, रुक, देख अली, देख अली तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, है? अली मुझे बता तू मुझसे क्या छुपा रहा है। क्या छुपा, मैं क्या छुपा रहा हूं। शांति से बात करना। हाँ मैं शांति से बात कर रहा हूँ, क्या धमकी दे रहा है, क्या जान के रहेगा तू, हाँ क्या सच जानना चाहता है तू, क्या छुपा रहा हूं मैं। अरे पहले मेरा पेड़ बाहर था तो मैं छुपाता था, अभी तो मेरा पेड़ भी अंदर हो गया, सफाट, आई एम ट्रिम, क्या छुपाऊंगा मैं। चल भाई ये रुक, तो मैं तेरे पेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूधे राजा की बात कर रहा हूं, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, बता दूधे राजा का सच क्या है, मुझे बता। देख मैं सच्चाई जान के रहूंगा। अरे आस्ते बोल, क्या सच्चाई, अजीब चिपको है तू यार, जोक की तरह चिपक गया तू।
और मैं तुझे नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा यार? बता, तू मेरा दोस्त है, तू ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। सुन, क्या? हाँ, सीआईडी ऑफिसर का खून, सीआईडी ऑफिसर का खून। कितना गंदा एक्टर है तू, सिचुएशन को समझ, चिल्लाने की क्या जरूरत है? सॉरी, अब तू गया अली, तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। सीआरए के चुंगल में तू फंस गया है, अब तुझे यमराज भी नहीं बचा पाएगा। तू दोस्त के दुश्मन है यार, यहाँ वैसे ही मेरी हालत खराब है और तू मुझे और डरा रहा है। अरे तू दोस्त है, तू मुझे कोई रास्ता बता कि मैं इसमें से बाहर निकलूं यार, मेरी मदद कर तू। मैं तेरी मदद करूं? फिर मेरी मदद कौन करेगा? सीआईडी मदद कर। अली, एक मेरे दोस्त, एक काम कर, तू सीआईडी को सब सच बता दे। सच बता दूं? हाँ। बता देता, ठीक है। तो एक बात बता, तू सीआईडी को ये कैसे साबित करेगा कि तूने ये खून नहीं किया? मैं कहां से बीच में आया भाई? ये लाश तेरी गाड़ी में से मिली है, मैं कहां से बीच में आया? बीच में नहीं आ गया, तू बीच में है। कैसे? देख दोस्त, अगर मैं फंस गया तो मैं तुझे भी फंसाऊंगा। क्यों? है ना, और जरा सोच, जब सीआईडी को पता चलेगा कि तूने ये खून किया है, तो वो सीआईडी वाले तेरा क्या हशर करेंगे? सोच। और दबा, छोड़ दो मुझे, जिधर भी है दबा और दबा, मार डाल इसको। अरे इसकी बात मत करो, छोड़ दो। हाँ, कैसा दोस्त? बुला सीढ़ी वाले को। अजीब इंसान है यार, दोस्तों के दोस्त को कोई फंसा था क्या? तू भी तो दोस्त है ना, तू भी तो मुझे फंसा रहा था ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ यार, के कोई रास्ता बता कि मैं झंझाल से बाहर निकलू, वरना मैं करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, दोस्ती निभाऊंगा। दोस्ती भूल जाना यार, कुछ करते हैं, चल। अजी सुनिए, आकाश कहाँ है? आकाश ऊपर है। वहाँ कैसे चला गया? है मेरा पुत्र। सुषमा, आकाश हमेशा ऊपर ही होता है ना। अरे मैं ऊपर बादलों वाले आकाश की बात नहीं कर रही हूँ, तो? हमारे बेटे की शादी जिससे होने वाली उस आकाश की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे दामाद की बारात लेके नहीं आया अभी तक। बस आता ही होगा, यहाँ पर भी निकल गई होगी, बारात तो आएगी ना। कोई नहीं देखता, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। सुना, ओरिजिनल दूल्हा अभी तक पहुंचा नहीं है। इससे पहले चार शादी में गए, कमबख्त सब जगह दूल्हा टाइम पे पहुंच गया था। एक काम करते हैं, हमारे वाले दूल्हे को यहाँ पे सेट करते हैं और खा पी के सटक लेते हैं। सही बोल रहा तू, लाश के चक्कर में लास्ट कब खाया था वो भी याद नहीं। चल खाते हुँ? चलते हुँ। मुबारक जी, मुबारक। ये लो भाई, हम दूल्हे को लेकर आ गए। ताजा ताजा, जिंदा जिंदा दूल्हा लाया आपके लिए। भाई माफ करना जी, हमें यहाँ आने में देरी हो गई। ये क्या है? अरे भाई, ये क्या है? नहीं, ये कौन है ये पूछिए? ये दूल्हे की चाची। नमस्ते, कैसी हो? माफ करना, उठ के आपसे गले नहीं लग सकती, कल रात को ही मुझे पोलियो हो गया। ये दूल्हे की चाची और हम दूल्हे के चाचा। वो तो ठीक है, लेकिन बाकी की बारात कहाँ है? कौन सी बारात? बस में बारात बस में। बहुत भीड़ थी ना बस में, बस पंक्चर हो गई।
तो सबको नहीं ला सके, मुहूर्त ना निकल जाए ना, इसलिए हम दूल्हे को लेकर आ गए। बाराती जो है सुहागरात तक पहुंच जाएगी। दूल्हे राजा, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? इसको क्या परेशानी होगी, इसके वजह से हमें परेशानी हुई है। हाँ है क्यों? क्यों परेशानी होगी? कैसी परेशानी होगी? परेशानी वाली बात थी, सुबह बेचारे का पेट खराब हो गया था, सीमेंट लगा दिया हमने। चले अब हम शादी करें जी। अरे अरे भाई, ये मेरी बीवी है। अरे भाई, हम दूल्हे राजा और दुल्हन की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझाता भाई। कुछ ज्यादा ही समझते हैं आप, शक्ल से मुझे चंट लगते हैं ये। चलिए चलिए चलिए। अरे चलिए 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 भाई, दूल्हे राजा आ गए भाई। ठीक हुआ है, सीमेंट थोड़ा गीला है। ताली बजाओ जी, ताली बजाओ जी, दूल्हे राजा आ गए। क्या ही थोड़ी है मेरे बच्चे की। हाय हाय, पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए और जब तक शादी संपन्न ना हो जाए रुकना मत। अली, सब सेट है, दूल्हा भी सेट है। चल अभी यहाँ से निकलते हैं। रुको ना थोड़ी देर, बाद में चलते। अरे फूल तो ना लेते। सबको फूल दे दीजिए, वर वधू पे फूल डाले। फूल मिल गया है, कब डालना है बोलो। डालो 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 डालो। ये तो नकली चाची है। बेटा, बेटा, ये तो लाश है। ओके, 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 क्या है इसमें, क्या है? ये तो वो एक्टर है जिसका नाम है अली। अच्छा एक्टर हूँ ना। अब क्या उंगली कर रहा है भाई, खेल चौपट कर दिया तूने। नीचे कर। चलो रखी, अभी आते हैं। रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? चलो मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, रोको उनको। चल चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। हेलो हेलो सीआईडी, जल्दी चल। मैं कहाँ फंस गया? क्यों, वो टाइट है क्या? इससे ज्यादा और टाइट सिचुएशन क्या हो सकती है मेरे बाप? आई कैन अंडरस्टैंड यार, थोड़ा बेर कर ले यार, देख मेरा भी निकल गया। हाँ ये विग वाले ना आजकल बहुत गंदे विग बनाने लग गए यार। हाँ ओरिजिनल बोल के सिंथेटिक लगा के थे, ये देख। बात होती है मेरे बाप, मैं विग की बात नहीं कर रहा, मैं लाश की बात कर रहा हूँ। तेरे चक्कर में मैं भी लाश के साथ फंस गया, सबने में देख लिया अंदर, सबने सीआईडी को फोन भी कर दिया होगा। अभी हम लोग गए काम से। मेरे दोस्त, अब मैं निकल रहा हूँ, तू संभालना। रुको, ओए मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे? मैं अकेला जेल में क्या करूंगा? तू भी चल साथ में, चल। देख तेरे को जो करना है कर मेरे भाई। अरे देख तू बहुत बड़ा स्टार है, मेरे पास छोटे मोटे दोष हो गया। एक तो कल ही ऑफर हो गया और दूसरे की वैसे भी टीआरपी डाउन है, मेरे छोटे छोटे बच्चे। बच्चों को थोड़ी ना पकड़ेगी, हम जाएंगे अंदर, चिल रिलैक्स। सीएडी सीएडी, तुम इतना दिमाग खराब हो गया? सीआईडी बोल बोल के डरा मत, समझा ना, चल रिलैक्स, चल। क्या सुसु? अरे तो अंदर करने का था ना, अभी मैं क्या करूं? पीछे सीआईडी है। कहाँ सीआईडी? सीआईडी यहाँ क्यों आएगी बेवकूफ, उन्हें तो लाश के बारे में पता तक नहीं है। तेरे पीछे सीआईडी। मेरे पीछे? तूने भागेगा?
धूप बहुत है सर। है? अरे ये तो एक्टर है सर, मुझे इनके साथ फोटो खींचनी है। खींचू? अरे सर वो क्या है कि मेरी वाइफ ना एक्टरों के फोटो देख के बड़ी खुश हो जाती है, इसीलिए। हेलो इज राइट सर, आई गॉट गुड फीमेल फॉलोइंग। अच्छा सर मैं थक गया हूँ, समझा के थक गया हूँ सर, बोल के थक गया हूँ। ये खुद मैंने नहीं किया सर, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैं बेगुनाह हूँ सर। तो लाश कलेक्शन का शौक होगा? नहीं तो लाश कलेक्शन का शौक है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। नहीं मुझे क्यों होगी सर, हमारे खानदान में से भी किसी को लाश कलेक्ट करने का शौक नहीं है सर। तो फिर लाश लेके शादियों में क्यों घूम रहा था? लाश? कैसी लाश? दूल्हे की लाश, जिसके साथ लोगों ने तुम्हें देखा है। अच्छा अभी समझा सर, एक्चुअली क्या है ना, मैंने एक फिल्म की थी सर, लाश खेले ताश, दिवाली पे रिलीज हुई थी, यू नो ताश खेलते ना तभी, उसमें ना मैं दूल्हे के लाश के साथ मैं ताश खेलता हूँ सर, तो वो लोगों के दिमाग में अभी तक बैठा है सर। दैट वाज सक्सेसफुल फिल्म, फुल पूरे 10 दिन चली थी फिल्म। लाश खेले ताश जी, सच सच बता लाश कहाँ है, वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। डिक्की में अरे थोड़ी तो इज्जत करते लाश की, उसे सीट पे बिठाना चाहिए था ना, डिक्की में बिठाती है। चलो चलो दिखाओ दिखाओ। सर लाश कहाँ है? ये है ना, लाश तो ये थी सर, मैं सच्ची कह रहा हूँ, लाश ये लाश। चल मेरे चल सर, थोड़ी कॉमेडी वहां भी करते सर। सर सर तुम्हारी गाड़ी के डिक्की से वो लाश अपने आप चली गई। हाँ लगता है लाश को बुरा लग गया होगा, भला डिक्की में कोई किसी को रखता है? I'm sorry for that, पर मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आई थी, कहाँ चले गई, किस बात पे उसे इतना बुरा लगा सर। बस इतना जानता हूँ कि इस लाश ने मुझे बुरी तरह से फंसा दिया सर। फंसा दिया सर? ये झूठ बोल रहा है, इसी ने खून किया है, अभी नाटक कर रहा है यहाँ पे। मैं क्या नाटक कर रहा हूँ? मैं क्या नाटक कर रहा हूँ सर, मैं सच्ची सच्ची बता रहा हूँ सर, मैंने आज तक सिर्फ एक मच्छर को मारा है सर। ओ तो उस आदमी का नाम मच्छर था जिसे तुमने बेरहमी से मारकर डिक्की में डाल दिया है? शादियों में क्यों घूम रहे थे उस लाश को लेके? वो लाश दूल्हे की थी ना, तो उसे शादी में पहुंचा रहा था मैं। ठीक है ये शादी की पहाड़ी छोड़ो, शुरू से बताओ हुआ क्या था। शुरू से ठीक है सर। सर जब मैं पैदा हुआ था सर, मैं बहुत छोटा सा बच्चा था सर, पहली बार 3rd स्टैंडर्ड में मैं फेल हो गया था सर। उस रात को मेरे बाबा ने मुझे बहुत मारा था सर, मुझे आज भी याद है सर, वो है ना ऐसे घड़ी निकाल के सर उन्होंने फाट करके दिए थे सर। हलो, हलो। उसके बाद मैं बीए पास किया। इतना शुरू से नहीं, लाश के बारे में शुरू से बताओ। लाश के बारे में? हाँ सर मुझे, मैं बताता हूँ सर, मैं ना शूटिंग के लिए लेट हो गया था सर। के बाद सर वो मैं ऐसा फंस गया सर, मैं इधर सॉरी सर ऐसे ऐसे मैं लेकर गई कि क्या सर, मैं कसम खा के वो तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ना पैर है, ना ये ना वो, कुछ भी नहीं है सर। अच्छा तो दूल्हा क्यों बना हुआ था सर? शादी करने के लिए दूल्हा बनता ना सर, कोई बाथरूम जाने के लिए दूल्हा थोड़ी ना बनेगा। इससे उस दूल्हे का स्केच बनवाओ, पता तो चले कि दूल्हा दिखता कैसा है। अब इनको कैसे बताऊं कि वो लाश अभिजीत की है? वो दूल्हा क्यों बना हुआ था सर? शादी करने के लिए दूल्हा बनता ना सर, कोई बाथरूम जाने के लिए दूल्हा थोड़ी ना बनेगा। निखिल इससे उस दूल्हे का स्केच बनवाओ, पता तो चले कि दूल्हा दिखता कैसा है। अब इनको कैसे बताऊं कि वो लाश अभिजीत की है? चलिए कहां जा रहे? चलिए बताते हैं। यही बताओ ना। अरे चलिए ना, आइए।
बताइए सब कुछ। क्या बोलना है? लाश के बारे में बताना है। हाँ, लाश मैं एक्चुअली एक तो मैं से ढका हुआ था, सहरा था उसके चेहरे पे, तो हल्का हल्का मैं बता सकता हूँ। ऊंचा कद था उसका, वेल बिल्ट, थोड़ा सावला है और ऐसे शार्प नोज, काले होठ, आंख जो है बारीक सी है, डैनी 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 की तरह है, डैनी की तरह। जॉ लाइन बहुत शार्प था उनका, से ऐसे बिल्कुल फेस बन गया। सर ये तो एलियन जैसा दिख रहा है। मुझे पता था ये एलियंस ना धरती पे विजिट करते रहते हैं। मैंने तो एक बार क्या ये मॉनिटर, ये मॉनिटर में क्या है? स्केच, यही तो लाश है। अच्छा, दर्द निवारक यंत्र देखा है कभी? इसने बनाया नहीं बराबर सर, मैंने बताया बराबर, इसने बनाया नहीं बराबर। क्या है गोचू, तो किसने बोला तेरे को ऐसा बनाने के लिए? ए भाई चल हट, मैं बनाऊंगा, चल चल मुखा तेरे चक्कर में। और अजीत? हाँ सर, अभिजीत, यही है वो लाश। क्या मजाक है, क्या मजाक है ये? नहीं सर, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये ही लाश है सर, इनको ही तो मैंने देखा सर, मैं बिल्कुल इतने करीब से देखा हूँ इनको। ठीक है तुम जाओ, मगर अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो सोच लेना। मैं झूठा नहीं सर, यही है वो लाश। जाओ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर मुझे अली ना नशे में लग रहा है, अगर आप कहें तो मैं इसका नशा उतार दूं। नहीं निखिल, पहले अभिजीत को फोन करो, वो गोवा से आने वाला था आज। सर अब जी सर का फोन बंद आ रहा है। मतलब अभिजीत सर गोवा गए, वहां उन्हें एक लड़की पसंद आ गई और उससे शादी करने के लिए वो दूल्हा बन गए। तारिका जी को धोखा दिया उन्होंने। धोखा नहीं दिया, हॉलीडे बनाने गए, इससे शादी करने नहीं। कहते सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, बेवकूफ कहते बेवकूफ। होम स्वीट होम, मैं घर आ गया है। ऐसे लग रहा है जैसे जंगल में जोर की लगी हो और अचानक सामने तालाब आ जाए। फालतू में भाग आया, बहुत भागा हूं मैं, अब तो महीने भर में घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं, कहीं नहीं जाना, घर में ही पड़े रहो। और वो सीएडी वाले, उन्हें तो अभिजीत की लाश मेरे पास मिली नहीं, तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? क्या बिगाड़ लोगे सीआईडी वालों? मैं भी खाम खाम टेंशन ले रहा था, अब तक चैन से सोऊंगा, आज चैन से सोऊंगा। अरे भाई साहब थोड़ा साइड में जा, अरे हाथ हटाओ ना, थोड़ा साइड बोल। For more updates,
subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.